भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल कार्यालय से निकाले गए आदेश के आलोक में बुधवार को भागलपुर नगर निगम अतिक्रमण दस्ता के द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों और सड़क किनारे से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान लघु सिंचाई के कनीय अभियंता सरोज कुमार और निगम अतिक्रमण दस्ता के टीम की निगरानी में अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, घंटाघर चौक, खलीपाबाग, कोतवाली, ततारपुर और स्टेशन चौक के मार्गों में सड़क किनारे दुकानदारों एवं फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा अवैध रूप से लगाए गए दुकानों को अधिकारी, पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में खाली करवाया गया। इसको लेकर लघु सिंचाई विभाग के कनीय अभियंता सरोज कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जबकि इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाकर चेतावनी दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने से सरकारी आदेश का उल्लंघन करने और कार्य में व्यवधान डालने वाले दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं का सामान भी जब्त कर नगर निगम भेज दिया गया है। वहीं अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वालों को जमकर फटकार भी लगाई गई। बता दें कि कुछ महीने पहले ही सदर एसडीओ के निर्देश पर शहर के कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाजार और व्यस्त इलाके समेत शहर की मुख्य सड़कों के किनारे अवैध रूप से दुकान लगाकर फिर से अतिक्रमण कर लिया गया, जिस पर एक बार फिर से प्रशासन का डंडा चला है। हम लोगों को तिलका मांझी से घंटाघर चौक, कचहरी चौक, ये खलीफाबाग चौक, कोतवाली, ततारपुर स्टेशन, चार जगह कर रहे हैं। किसके आदेश से है ये? अनुमंडल से आदेश निकला है, जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया था, उसी के आधार पर ये अतिक्रमण हटवा रहे हैं। फाइन भी ले रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहा है उसका सामान उठा के नगर निगम में। कितना का फाइन लगा है? 12 आदमी का हुआ है, 12 नौ 2400 रुपया, 2400 रुपया हो चुका है। नवगछिया चौसा में अज्ञात बाइक सवार द्वारा टक्कर मारने से गंभीर रूप से घायल महिला की जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मायागंज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका की पहचान मधेपुरा की सहेलिया निवासी नीलम कुमारी के रूप में हुई है, जिसे चौसा में अज्ञात बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मारकर घायल कर दिया था। बताया गया कि मृतका नीलम कुमारी बुधवार की सुबह चौसा से जीविका समुदाय के साथ शामिल होने के लिए जा रही थी, तभी चौसा के समीप तेज रफ्तार अज्ञात बाइक ने उसे पीछे से ठोकर मार दी, जिसमें वह बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ी। मृतका नीलम कुमारी जीविका में कम्युनिटी मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत है, जिसके साथ हुए इस हादसे की खबर सुनते ही मायागंज अस्पताल परिसर में उनके परिवार वालों की भीड़ जुट गई। वहीं मौत की जानकारी मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के परिवार वालों का फर्द बयान दर्ज कर शव परिजनों के हवाले कर दिया। भाजपा सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। एक प्रश्न के जवाब में सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को छिछोरा कहा। इसको लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भड़क गए हैं। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस इंटेक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में बुधवार को भाजपा सांसद मनोज तिवारी का घंटाघर चौक पर पुतला फूका एवं जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस इंटेक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय ने कथित टिप्पणी को लेकर बीजेपी सांसद पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो शब्द बीजेपी नेतृत्व का और संस्कार आरएसएस का है। उन्होंने कहा कि उन्हें मनोज तिवारी की बौद्धिकता पर भी संदेह है। पुतला दहन सविरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रवि कुमार, महामंत्री मंटू यादव, अभिषेक कुमार, मुकेश यादव, प्रदीप कुमार, सिद्धार्थ शर्मा, अमरजीत कुमार, अभिषेक कुमार समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जिसको हम लोग भोजपुरी अभिनेता और रिंकिया के पापा के नाम से जानते हैं, मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी ने कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, हम सबों के आदरणीय भारत के जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरह का इन्होंने छिछोरा शब्द कहकर बयान दिया है, उससे आज पूरे भारत की जनता और कांग्रेस पार्टी आहत है। कांग्रेस पार्टी बता देना चाहती है और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से पूछना चाहती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का यही आचरण, यही चरित्र और यही संस्कार है।
भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड के धांधी बेलारी पंचायत वार्ड संख्या 5 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत मुख्य पथ निर्माण का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित मंडल ने नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर किया। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने बताया कि 7,77,700 रुपए की लागत से PCC सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इस कार्य से क्षेत्र के लोगों में काफी खुशी है। मौके पर जदयू नेता राजेश कुमार, सदानंद कुमार, गुंजन कुमार, संतोष मंडल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत हुआ है और काम अच्छा हुआ है। हम लोग उससे गाँव वाला भी संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं और बहुत सारा योजना हमारा काम खत्म हो गया है। फर्स्ट फेज वाला उसका हर जगह हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं और उसी क्रम में यहाँ पर उद्घाटन कर रहे हैं और इसी तरह से विकास करेंगे क्षेत्र का। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर जगदीशपुर पंचायत के कोलाखुर्द गांव में धौरैया विधायक भूदेव चौधरी के द्वारा सामुदायिक भवन सह उप पंचायत भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में उपस्थित भवानीपुर देसरी पंचायत के मुखिया अनिरुद्ध महतो, घनश्याम मंडल, सुड्डू साई, सुनील यादव सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित हुए। बता दें कि सामुदायिक भवन का निर्माण जगदीशपुर पंचायत की मुखिया लालमती देवी के द्वारा 10,44,400 रुपये की आवंटित राशि से करवाया जा रहा है। भागलपुर सुल्तानगंज के DAV पब्लिक स्कूल की वर्ग 7 की छात्रा आद्रिका आलिया गौतम ने बिहार कला एवं संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय टाइक्वांडो में अपने वर्ग में कांस्य पदक जीतकर पूरे शहर का नाम रोशन किया है। बता दें कि आलिया ने DAV पब्लिक स्कूल के द्वारा प्रायोजित राज्य स्तरीय टाइक्वांडो प्रतियोगिता में अपने वर्ग में रजत पदक विजेता होकर बिहार राज्य टाइक्वांडो टीम में चयनित होने के पश्चात 4 जनवरी 2024 को पानीपत हरियाणा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय टाइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार की ओर से भाग लेंगी। इसको लेकर छात्रा के पिता समाजसेवी अशोक गौतम ने स्कूल के प्राचार्य शिवशंकर सिंह एवं टाइक्वांडो कोच धीरज यादव को बधाई देते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि आगे लक्ष्य राष्ट्रीय टाइक्वांडो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने की रहेगी। अच्छा लग रहा है और नेक्स्ट लेवल में जाने का तैयारी है। ये पूरे बिहार लेवल पर हुई थी खेल। हाँ। अब इसके लेके अब चयनित कहाँ हुआ है? पानीपत हरियाणा। राष्ट्रीय लेवल पर होगा, तो क्या उम्मीदें हैं राष्ट्रीय लेवल पर जो होगा आयोजित प्रतियोगिता, इसमें क्या प्रैक्टिस चल रहा है? अब जो भी होता है प्रैक्टिस बेटर है, अब जो भी होता है। तो गोल्ड भी जीती है, कास्ट है, रजत है, उसका सिलेक्शन हो गया है बिहार स्टेट टाइक्वांडो टीम में और बड़ा अच्छा लग रहा है। केवल 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद इसका ये परफॉर्मेंस रहा है और ये जहाँ तक है इंटरनेशनल में चाहूँगा इंटरनेशनल ही खेले और अपने शहर का, अपने बिहार का नाम रोशन करें। लक्ष्य है कि इंटरनेशनल में पहले जो है इसको गोल्ड है, इसे गोल्ड के लिए इसका दावेदारी मजबूत मानी जा रही है पानीपत में जो होने वाला है राष्ट्रीय टाइक्वांडो से, और उसके बाद से प्रयास यही रहेगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका एक्सपोजर करवाया जाए।